गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जिसका बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों को, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जेके पीएससी जो है, जेके केएस की वैकेंसी जो है वो लेके आ गई हैं। जेके कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा कि अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, और उस एक पोस्ट में जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज बताई गई थी केएस की, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो केएस की वैकेंसीज़ है वो 100 के नीचे आ रही हैं, 100 या 100 से नीचे होंगी। तो वही जो वैकेंसीज़ हैं, देखो 90 वैकेंसीज़ आई हैं टोटल, कैटेगरी में डिवाइड हुई हैं, जिसमें जूनियर स्केल जे एंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो टोटल पोस्ट हैं वो 30 हैं, जेके पुलिस में टोटल पोस्ट 30 हैं, और जेके अकाउंट सर्विस में भी टोटल पोस्टें जो है वो 30 हैं। तो सब में 30-30 जो है वो वैकेंसीज आई हैं। और आप सब बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखना, ताकि मैं इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपने फॉर्म फिल करना है उसमें बहुत ही चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आपने ध्यान से फिल करनी है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो जो फॉर्म फिल होने जा रहा है, तो उसकी जो डेट है ये कब से शुरू होगी फॉर्म फिल वर्क करने की, 108 मतलब कि 1 अगस्त से ये फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और मैक्सिमम डेट जो रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 को इसकी जो है वो डेट रखी गई है, ठीक है। तो एज की भी बात करेंगे हम, तो एज दी है नीचे। और उसके बाद तो सबसे पहले इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी, तो मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके, डोमिसाइल होना चाहिए बच्चे के पास। उसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। ये दो कंडीशन है इसमें एलिजिबिलिटी में। उसके बाद एज क्या रखी गई है, एज ओपन जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 32 रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी या इन सर्विस उनके लिए 34 रखी गई है, फिजिकल हैंडीकैप जो है चैलेंज कैंडिडेट्स उनकी 35 रखी गई है, ठीक है। और जो इन सर्विस है उनकी दो साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए 1/1/2024 तक, तब भी वो ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपरली, जो इशू किया होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी होगी, तो वो होना चाहिए। और अगर कोई भी फेक कैंडिडेट जो है कैटेगरी के साथ पकड़ा जाता है, फॉल्स या किसी भी तरीके का होता है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और EWS के लिए यहाँ पे खासकर इन्होंने बोला है कि शेल हैव अपेंड EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, और कौन सा फॉर्म जो 14A होता है SRO 118 के अंदर 2009 के तहत जो है वो जो है सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा EWS का, ठीक है। ये EWS सर्टिफिकेट की बात होगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। उसके बाद जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा और रजौरी में होगा। इस बार जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो ज़्यादा बना दिए गए हैं, पहले जम्मू और श्रीनगर में ही हुआ करता था, तो अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो ज़्यादा बना दिए गए हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात आ गई। उसके बाद फ़ी कितनी रखी गई है, फ़ी जो है 1200 रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रखी गई है। उसके बाद PHE जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फ़ी है वो है नील, उनको कोई भी फ़ी जो है वो नहीं देनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों को पता ही है, पहले इसका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठ सकता है। तो प्रीलिम एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा वीडियो बना के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की, ठीक। तो नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी यहाँ पे रखी गई हैं, तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है वो 6 रखी गई हैं। एवरी कैंडिडेट जो है, हर एक कैंडिडेट जो है हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड टू 6 अटैम्प्ट्स एट द एग्जामिनेशन, 6 अटैम्प्ट्स रखी गई हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स विल नॉट बी अप्लाई किस में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में कोई भी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं, वो बच्चा 6 से ज़्यादा भी अटैम्प्ट दे सकता है। उसके बाद बात करें RBA OBC LC जो है उनको 9 अटैम्प्ट जो है वो दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपने KS का फॉर्म फिल करना है।
उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आ गया, अगर कोई KPS जाना चाहता है, पुलिस सर्विस में जाना चाहता है, तो उसकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट गिर्थ है वो 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए हाइट जो है 150 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट जो है एक्सपेंशन जो है वो 79 5 सेंटीमीटर जो है वो रखी गई है। तो JKSSB जो है 1 अगस्त से फॉर्म फिल शुरू होना शुरू हो जाएंगे, तो आपने JKSSB की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपने क्या है, अपने आपको रजिस्टर करना है। पहले आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ेगी JKPSC की, फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ें आएंगी वहाँ पे, तो वो आपने उसी तरह से वहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो भरती जानी है, और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो आपने ध्यान से भरनी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस करूँगा, क्योंकि मैंने भी 5-6 बार जो है प्रीलिम्स इसका क्वालिफाई किया है, इसलिए तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ कि प्रीलिम्स किस तरह से क्वालिफाई करना है, ठीक है। मेंस भी मैंने हालांकि 4-5 मेंस मैं लिख चुका हूँ अभी तक, ठीक है। उसमें 2 बार वाइवा में बैठ चुका हूँ, ठीक। तो आपको कुछ हद तक मैं गाइड कर ही सकता हूँ, जहाँ तक है, तो आपको प्रीलिम्स के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद मेंस जो आंसर राइटिंग होगी उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम पे जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और सी सेट पे भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो लेके आऊँगा आपको, जो खासकर उसमें रीजनिंग रहता है, ठीक है, उसके बाद मैथ्स रहता है, तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो सी सेट पे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है सी सेट में, उनका GS क्वालिफाई हो जाता है बट सी सेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट पेपर, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।